कोई देख रहा है तुम्हें अब? मतलब वो पेन हटाओ उसकी गर्दन से। और तुम भी कुछ नहीं बोल रही हो रिया, वो क्या देख रहे हो? उतरो नीचे, उतरो उतरो। अरे रुक दिया, आर यू ओके? नहीं दिया, आर यू ओके? भाई एक्चुअली ना मैं बहुत डर गई थी, मैं डर गई वो रिया को गले पे, वो बार बार बस एक ही बात बोल रहा था कि तुम्हारे डैड मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अपने डैड को बोलो कि मेरा पीछा छोड़ दे वरना मैं तुम्हें। कहाँ गया वो? भाई वो उस तरफ डर के भाग गया। रिया यू फाइन ना? उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की तुम्हें हार्म पहुंचाने की कोशिश करके। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आई वोंट लीव हिम। I'm sorry, मेरी वजह से तुम्हें सब कुछ सहना पड़ा। नहीं भाई, आप अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मत समझिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप तो उसके साथ वो सब कुछ इसलिए कर रहे थे क्योंकि प्राची के साथ उसने गलत किया। लेकिन भाई आई कैन जस्ट से वन थिंग कि प्राची के चक्कर में आप अपनी फैमिली को इग्नोर मत करिए। प्राची और उसकी फैमिली हैंडल कर लेंगे, आप सिर्फ रिया पे ध्यान दीजिए। आलिया, रिया हो या प्राची, मेरे लिए दोनों बेटी जैसी। आलिया, रिया हो या प्राची, मेरे लिए दोनों बेटी जैसी। मुझे बताया क्यों नहीं आई? ओके, दिखाओ कहीं लगी तो नहीं तुम्हें। प्लीज आई एम ओके। नहीं, मैंने चेक कर लिया, शी इज फाइन। मुझे बताओ आपके यहाँ पे क्या हुआ है? मुझे क्या, आप गिर गई, लग गई मुझे, तुम तो ठीक हो ना? हाँ, प्राची की मॉम की दवाई खाई है इसने, शी हैज टू बी फाइन। प्राची की मॉम की होम में दवाई? शी इज एलर्जिक टू एलोपैथी ना? ओह यस आई नो। पूरे दिल्ली को पता है सिवाय मुझे। अब आप ये बात सभी के साथ बार बार करके वायरल कर देंगे। इन लोगों को देखकर लग रहा है बहुत मजे करके आए, सबके चेहरे खिले हुए। नहीं, लुक एट देम, एकदम मजे आ गए, मजे आ गए। लेकिन तेरा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? क्या हुआ? जिसे मिलने गया था मिली नहीं क्या? अरे पता, हम लोग कॉफी शॉप भी गए थे लेकिन तू आ नहीं था। जल्दी आया था और फिर जल्दी निकल गया या फिर आया नहीं था? अरे नहीं, मैं जा रहा था वहीं पर, रास्ते में मुझे क्या, रास्ते में क्या कुछ ना, जाने देना। अरे बोलना, तू बता, तेरा कॉफी कैसा था? यार हम लोगों का तो तू पूछ ही मत। हाँ तो तू तो बता ही मत, मैं बताती हूँ। बात यह है, अभी प्राची को तो मैं शुरू से बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन आज उसकी माँ को मिलके ऐसा लगा जैसे परसों पुराने रिश्तेदार सालों बाद मिले। वो क्या कहते हैं, वो फैमिली रीयूनियन। हाँ, फैमिली रीयूनियन। सच में उन लोगों से मिलके इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार मिले। इतनी सारी बातें, इतना अपनापन, है ना पल्लो? सच में बहुत मजा आया, वी रियली हैड अ ब्लास्ट। इनफैक्ट मैं तो उन्हें ये भी कह के आई कि सालों से कोहली परिवार और मेरा परिवार एक साथ है और अब हमें एक तीसरा परिवार भी मिल गया। 3-in-1 फैमिली, यू नो, 3-in-1 स्वीट। मुझे तो इनफैक्ट पता ही नहीं था, मुझे पता नहीं था ये लोग आने वाले, मैं वहां देख के हैरान हो गया। तू भी गया था पापा? हाँ, मैं गया था एक्चुअली, मैं प्राची के साथ घर गया था उसकी मॉम से मिलने, और वहां देखा तो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ऑल ऑफ देम वर देयर। और मेरी नजर तो दरवाजे पे थी, शायद क्या पता तू भी आ जाए। हाँ, मजा आता। सच में तू आ जाता ना तो बड़ा मजा आता। अरे भाई, एक फैमिली फोटो ही हो जाती हमारी। एक्सक्यूज मी, आज दिन अच्छा नहीं था रिया के लिए, मूड खराब होगा। एक काम करता हूँ, मैं भी चलता हूँ, ठीक है? मेरे को चेंज वेंज करना है यार। चल रेस लगाते हैं। रेस? मैं भी चलती हूँ। चल 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 चल। सच में अभी अगर तू होता ना तो बहुत मजा आता। खैर कोई नहीं, तू बता, तेरी तेरे वाइफ के साथ मीटिंग कैसी रही? अपने वाइफ से मिला कि नहीं? उसे मिल नहीं पाया। चेंज वेंज गुड नाइट, गुड नाइट गाइस। संजू आज मेरी बेटी के पीछे था, मेरी रिया को ले जाने वाला था, पर अच्छा हुआ आलिया वहां थी और उसने रिया को बचा लिया। ये संजू मेरी लाइफ का सुकून ले गया है। कितना मजा आया ना कॉफी पीकर। अरे मिले तो हम पहले भी हैं, पर ऐसा लग रहा था जैसे
आज तो कुछ अलग ही बात थी। सच में ऐसा लगा जैसे हमारा कोई पुराना रिश्तेदार बरसों बाद हमें मिला है, और एक पल के लिए भी हमको नहीं लगा कि वो इतने अमीर लोग हैं और हम लोग गरीब मिडिल क्लास। अब ना हम लोग हर हफ्ते कॉफी पीने जाएंगे। सब इतना खुश है, कितनी बातें कर रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? कुछ नहीं। अरे प्रज्ञा, ये जरा चूड़ी उतारने में मदद करना, निकल नहीं रही है। आ रही हूँ, तू जा, मुंह हाथ धो के कपड़े बदल, थक गई होगी। हाँ आई एम ओके। प्रज्ञा से भी नहीं मिल पाया, क्या करता, रिया मुसीबत में थी। ऐसे में प्रज्ञा को बताओ मैं क्यों नहीं आ पाया, अपसेट होगी वो मुझसे। नहीं, उसे नहीं बताना चाहिए कि रिया के साथ क्या हुआ, अभी अपसेट है फिर स्ट्रेस में आ जाएगी। फोन करता हो बस और वन साइडेड डांट खा ले तो गुस्सा उतर जाएगा उसका, और उसकी डांट खा के मेरा मूड भी सही हो जाएगा। ये ले, वो मिलने नहीं आया इसलिए उदास है, काम आ गया होगा कोई। और हम लोग इतनी देर से गए, वो इंतजार करके लौट गए होंगे, वजह होगी कोई। इतनी समझदार है कि दूसरे के बिना बोले उसकी प्रॉब्लम समझ जाती है, फिर भी उदास है। क्यों? मैं समझ जाती हूँ ना, दिल नहीं समझता, दिल जज्बात समझता है। कुछ अच्छा होता है तो खुश हो जाता है, नहीं होता है तो रो देता है। मेरा दिल था उनसे मिलने का, नहीं मिल पाई तो अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है, हमेशा पूरब के फोन से ही बात की है। पूरब मुझे प्रज्ञा का नंबर सेंड कर, मेरे पास नहीं है, तेरे ही फोन से बात करता था, अब या तो आ जा या नंबर भेज दे। भाई के पास प्रज्ञा का नंबर नहीं है इसलिए पूरब से मांग रहे हैं ताकि प्रज्ञा से बात कर सके। नंबर मांग रहे हैं मतलब उन्हें नंबर याद भी नहीं होगा। पूरब इज टेकिंग अ शॉट। मैं प्रज्ञा के नाम से गलत नंबर भेज देती हूँ ताकि भाई जब भी प्रज्ञा समझ के उस नंबर पे कॉल करें, कॉल प्रज्ञा से कनेक्ट ही ना हो। यस, मैंने भाई को अपना वो वाला नंबर भेज दिया है जो मैं यूज ही नहीं करती। अब भाई इस नंबर को प्रज्ञा का नंबर समझ के फ़ोन करेंगे, मैं फ़ोन उठाऊंगी ही नहीं और उन्हें लगेगा कि प्रज्ञा उनका कॉल नहीं ले रही है। वो नंबर मैंने ऑफिस के काम से लिया था और भाई को उस नंबर के बारे में पता भी नहीं, उन्हें लगेगा प्रज्ञा का ही नंबर है क्योंकि वो नंबर मैंने पूरब के नंबर से भेजा है। और अगर मैं उनके फ़ोन में प्रज्ञा का रियल नंबर किसी और के नाम से सेव कर दूं और फिर उस नंबर को ब्लॉक कर दूं तो जब कभी भी प्रज्ञा भाई को फ़ोन करेगी, फ़ोन लगेगा ही नहीं क्योंकि उसका नंबर तो ब्लॉक होगा। तो अब दोनों कितना भी चाहें एक दूसरे से बात नहीं कर सकेंगे। क्या हो सकता है भाई के मोबाइल का पासवर्ड? रिया का बर्थडे? भाई का अपना बर्थडे? नहीं, ये भी नहीं है। प्रज्ञा का बर्थडे? वो डेट जब भाई और प्रज्ञा की शादी हुई थी। Yes, finally. प्रज्ञा का नंबर दादी के नाम से, भाई इस नंबर को कभी टच नहीं करेंगे और ये मैंने ब्लॉक भी कर दिया है, तो प्रज्ञा अगर फोन लगाएगी भी तो नंबर मिलेगा नहीं। और प्रज्ञा का नंबर दोबारा भेजती हूँ, मैंने मोबाइल खोला है तो पहले वाला मैसेज ओपन हो गया, दोबारा भेजूंगी तो भाई को पता नहीं चलेगा कि मैंने उनका मोबाइल खोला था।
भेज दिया मेरे भाई ने अपनी बहन का नंबर। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. ये फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सो गई होंगी ना? वो बिजी हो गए होंगे किसी काम में, इसीलिए नहीं आए। पर फोन तो करना चाहिए था ना। क्या हुआ? कुछ अच्छा ही हो रहा है। मैं समझी नहीं। Everything is good. Tell me. चाचू कहाँ है? He's in the washroom. पर हम बात कर सकते हैं, बोलो ना। बूजी, मैं सोने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। बार बार दलजीत दादी और पल्लवी आंटी की बातें सुनाई दे रही हैं, कानों में गूंज रही है कि How they like Prachi and Prachi's mom, कि उनके लिए आज एक family reunion था, कि हम लोग एक family हो गए हैं and like I am not liking this, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है पूछी। हम लोग एक family है, हम लोग और कोहली खानदान, हम लोग एक family है। मैं नहीं चाहती कि उसमें एक और family add हो जाए। और वहाँ पे रणबीर भी था, they were all so happy, कितने खुश थे। मैं अपनी family के साथ क्या, मैं कोहली फैमिली के साथ भी नहीं चाहती कि प्राची की फैमिली इन्वॉल्व हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग साथ रहते हैं, हम लोग एक फैमिली, तो दूसरी फैमिली की क्या जरूरत है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर टुमारो, कि कल हो और मैं ये सब बदलते हुए देखूं। मैं उस माया से चाहती हूँ कि वो रणबीर की लाइफ इतनी डिस्टर्ब कर दे कि प्राची उसकी लाइफ से दूर हो जाए। बट माया, उस माया को भी पैसे चाहिए। पैसे मैं दे दूंगी। लेट्स गो आउट। पर उन्हें कम से कम फोन करके तो बताना चाहिए था ना कि नहीं आ रहे। कितना मन था मेरा उनसे मिलने का। बात नहीं करते, मैं जानती हूँ बात करने से झगड़ा हो जाता है। साथ में थोड़ी देर बैठ ही जाते तो अच्छा लगता ना। मैं भी पागल हूँ, इतनी उतावली हो रही थी मिलने के लिए कि सबको लेकर पहुंच गई वहां पे, सबसे झूठ भी बोल दिया। और ये पूरब, जिसको सब कुछ बताया, उसके साथ भी नहीं आ पाए वहाँ पे। फोन करके बता सकते थे ना कि नहीं आ पाऊंगा। मैं नहीं समझती क्या? ये तो पुराना नंबर है, आउट ऑफ सर्विस है। पूरब से पूछती हूँ। प्रज्ञा दी? हाँ दी। हाँ पूरब, मुझे इनका नंबर चाहिए। दी, आपके पास सभी का नंबर नहीं है? मुझे तो लगा था कि किसी के पास हो ना हो, पर आपके पास सभी का नंबर हमेशा रहता है। है नंबर, लेकिन पुराना वाला नंबर है ना।
वो आउट ऑफ सर्विस है। कोई बात नहीं दी, मैं अभी आपको भेज देता हूँ। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? बात करनी है बस उनसे, और टेंशन नहीं ले रही, गुस्से में हूँ। मतलब अभी तो आज गया। तुम नंबर भेजो मुझे जल्दी। जी जी जी, मैं अभी भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ। बाय। थैंक यू। एक रिंग पे कट क्यों हो गया? मैसेज कर देती हूँ। आई एम वेरी एंग्री नाराज। आई एम वेरी नाराज। मुझे आपसे बात करनी है। मिस यू। दोस्त हो ना, तभी तो हम साथ में घूम रहे। डिनर पे चले या लंच पे? इडियट, गाड़ी के अंदर बैठो, किसी ने साथ में देख लिया ना तो शक हो जाएगा। दफा। हेलो, कहाँ हो तुम? मैडम मैं आपको देख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा करो तो मेरी गाड़ी के अंदर आओ। ठीक है मैडम। ये कौन है? काम धाम। ये सेंती है, ये ही अपना ट्रक लेके तुम्हारे पास आएगा। सी, आई कांट टेक अ रिस्क कि असली ट्रक ड्राइवर लेके आऊं, और अगर उसने तुम्हें मार दिया तो आई नो इट विल बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, बट मार दिया तो। इसलिए सेंती अपना ट्रक लेके आएगा, और जब तुम ट्रक के सामने आने की एक्टिंग करोगी तो ये तुम्हें उड़ाने की कोशिश करेगा। डोंट वरी, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ी होंगी, अगर तुम नहीं भी हट पाई तो ट्रक रोक देंगे। ओके, और आप इस लड़की को ध्यान से देख लो, यही वो लड़की है जिसके ऊपर आपको अपना ट्रक चढ़ाना है। प्लीज संभाल के मेरी लड़की की चोट ना लग जाए। अभी और तुम मैं कैसे भी करके प्राची को किसी लड़की के साथ या किसी के साथ बाहर लेके आऊँगी। आई डोंट नो मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, बट आई विल ट्राई। ओके, और जैसे ही तुम उसे बाहर देखो तो तुम एक्टिंग करना गाड़ियों के सामने आने की। पहले जो छोटी मोटी गाड़ियाँ होंगी, जो स्लो चल रही होंगी, उनके सामने आना जिससे तुम्हें चोट ना लगे, और उसके बाद ये अपना ट्रक लेके आएंगे और तुम्हें उड़ा देंगे। और वो नहीं बचाई तो? मैंने बोला ना कि अगर प्राची ने तुम्हें नहीं बचाया तो वो अपना ट्रक खुद ही रोक देंगे, वो तुम्हें बचाएंगे। ठीक है, एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट प्राची तुम्हें बचा लेगी, बिकॉज प्राची एक महान लड़की, वो सबको बचा लेती। मे बी वो खुद मर जाए बट तुम्हें बचा लेगी। सो काम नाम, ये रहे आपके पैसे, और काम हो जाना चाहिए। बाय। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, एंड गुड लक। ओके, बाय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई मुझे देख के खुश नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। Really? तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कॉलेज ट्रिप के बारे में बात करनी थी। कौन सा कॉलेज ट्रिप? सीरियसली, यू डोंट नो?
रणबीर, हम हर साल कॉलेज ट्रिप पे जाते, रिमेम्बर? ओह, कॉलेज ट्रिप, हाँ, ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर। ये क्या लगा? क्या? खाना खाना भी नहीं आता। अरे जैकेट कैसे? वेस प्राची? प्राची स्टोर रूम। चली कुछ जरूरी फाइल्स देने गई थी। हाय चीफ। यो अच्छा, मेरी बेटी आई और मुझसे मिली नहीं। कौन है जो मेरी बेटी को मुझसे दूर रख रहा है? लोग ऑफिस में काम करने आते हैं और आप काम से दूर भाग रहे हो, ऐसी काम चोरी क्यों? देखो मैं काम कर लूंगा, तुम क्या करोगी? मैं तो वो काम कर लूंगी जो करने आए। Right, then you finish your work and you know where to find me. I'll find you. I'll see you. अब मुझे यहाँ पे प्राची का वेट करना होगा। माया, मैं थोड़ी देर में प्राची को बाहर लेके आऊंगी।